नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलवीर सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेश्चन इंडिया। दोस्तों आज हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में। और जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये नेचर ऑफ पोस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर की ये पोस्ट हैं। टोटल ये वैकेंसी हैं 71 ये वैकेंसी हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे तो अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर ये वैकेंसी दे रखी हैं। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी दे रखी है वो कॉमर्स के अंदर जो 16 वैकेंसी हैं, उसके बाद में कंप्यूटर साइंस के अंदर, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, स्टेटिस्टिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, मैनेजमेंट और फिलोसफी के अंदर ये अलग अलग पोस्ट हैं। हिस्ट्री को 2 पोस्ट छोड़ के बाकी सब के अंदर ये 4 या 5 वैकेंसी से ज़्यादा हैं। ये दोस्तों अलग अलग कैटेगरी के अंदर दे रखी हैं, जैसे कि UR के अंदर आप देखोगे, शेड्यूल कास्ट के अंदर, शेड्यूल ट्राइब के अंदर, OBC, EWS और PWD के अंदर ये अलग अलग टाइप की वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे दे रखी हैं। बाकी इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे कितनी इसकी लास्ट डेट है। देखिए दोस्तों, ये एडवर्टीजमेंट में आपको ये जानना जरूरी है कि इसकी लास्ट डेट क्या है, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त इसके बारे में नहीं जानते होंगे। कितनी इसकी फीस है, कैसे आपको अप्लाई करना है, इन सब बातों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। ये सबसे पहले हमने देख लिया था कि यहाँ पे किस किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी कितनी वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी की बात हम कर चुके थे, वो वैकेंसी हैं आपकी 71। यहाँ पे कुछ एब्रिविएशन भी दे रखी हैं, जैसे कि रिजर्व के अंदर और किस किस प्रकार की हैं। कई बार हमें इनमें दिक्कत हो जाती है, जैसे EWS क्या है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट नोट वगैरह भी दे रखा है कि रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, पब्लिकेशन एक्सपीरियंस, स्क्रीनिंग गाइडलाइन, इंडिकेटिव परफॉर्मा आर अवेलेबल ऑल कॉलेज वेबसाइट, और कॉलेज की वेबसाइट क्या है इसके बारे में भी कंप्लीट बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि किस कॉलेज के अंदर ये वैकेंसी अवेलेबल हैं। चलिए दोस्तों उसको मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये हैं रामानुजम कॉलेज के अंदर, रामानुज कॉलेज के अंदर ये वैकेंसी हैं। ये इसका एड्रेस दे रखा है कालकाजी नई दिल्ली, और ये है इसका पिन कोड। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे दे रखा है। वेब लिंक ये है, यदि आपने पहले कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है या फिर उन कॉलेजेस के अंदर अप्लाई किया है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं, तो आपको ये लिंक जरूर याद होगा। ये colrec.du.ac.in है, और सारे के सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं सबके फॉर्म यहीं पर अप्लाई होते हैं। तो आपको ये जो URL है, यानी कि जो वेबसाइट का एड्रेस है, इसे आपको याद कर लेना चाहिए। ये दोस्तों दे रखा है एकेडमिक लेवल 10 के अनुसार आपकी यहाँ पे आपकी सैलरी होगी, और एकेडमिक लेवल 10 ये 7th पे कमीशन के अनुसार है। टोटल यानी कि एंट्री लेवल पे आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 57,700 रुपये से शुरू। उसके बाद में और भी दोस्तों इसके साथ में बाकी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि DA इसके अंदर है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह इसके अंदर यदि अवेलेबल है तो वो इसके अंदर मिलता है। इसके साथ में मेडिकल वगैरह, तो सैलरी इससे कहीं ज़्यादा होती है, परंतु एंट्री लेवल पे यहाँ पे मेंशन कर रखी है। उसके साथ में दोस्तों थोड़ा सा नीचे आप देखोगे तो ये हम बात कर चुके हैं कि किस किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी हैं। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रखी है। असिस्टेंट प्रोफेसर जिसमें आर्ट, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपकी हो, क्वालिफिकेशन लगभग यहाँ पे सेम रहती है। यहाँ पे दोस्तों आप नीचे देखोगे तो एलिजिबिलिटी दे रखी है, और ये एलिजिबिलिटी क्या है कि मास्टर डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, और आजकल ये सब जगह मांगने लग गए हैं कि 55% से कम आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं किसी भी कॉलेज के अंदर। तो लेस देन मतलब क्या है कि 55% कम से कम आपके मार्क्स ज़रूर होने चाहिए। उसके साथ में आपने नेट क्वालिफाई कर रखा हो, जिसको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, UGC के द्वारा हो या CSIR के द्वारा हो, परंतु आपका नेट यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए। नीचे देखते हैं और वो दे रखा है PhD के बारे में। यदि PhD आपने बाहर से कर रखी है, मैं बात कर रहा हूँ विदेश की, तो आपकी यूनिवर्सिटी का रैंक 500 यानी कि वर्ल्ड लेवल पे जो रैंकिंग है उसमें 500 से कम हो आपका होना चाहिए। यदि 500 से ज़्यादा है तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी, तो 500 से कम आपका PhD का रैंक होना चाहिए। और ये भी बता रखा है कि यदि आपने PhD पहले कर रखी तो आपको नेट की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में आप जानते होंगे, थोड़ा सा मैं आगे यहाँ पे बता भी दूंगा आपको। ये मेंशन भी कर रखा है कि किस प्रकार से आपका आपको PhD की छूट मिल जाएगी, यदि आपने PhD कर रखी है तो नेट की यहाँ पे छूट मिल जाएगी। उसके बाद में यदि मैनेजमेंट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो कुछ डिजायरेबल दे रखा है, जैसे पेपर प्रेजेंटेड एट कॉन्फ्रेंस एंड पब्लिश्ड इन रेफर्ड जर्नल, ये आपका होना चाहिए, या फिर आपका किसी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन से टीचिंग या रिसर्च या इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए।
थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं जनरल नॉट के बारे में, ये मेंशन कर रखा है पीएचडी के बारे में। यदि आपने पीएचडी कर रखी है और आप छूट लेना चाहते हैं तो ये क्राइटेरिया आपका पूरा होना चाहिए। इस क्राइटेरिया को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जैसे पीएचडी आपकी रेगुलर मोड से हो, कम से कम दो एक्सटर्नल जर्नल ने आपका चेक किया हो, वाइवा आपका ओपन हुआ हो, कैंडिडेट ने दो रिसर्च पेपर पब्लिश किए हों, इत्यादि इत्यादि ये कुछ कंडीशन यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे और कुछ गाइडलाइन मेंशन कर रखी हैं। यदि आप इनको पढ़ना चाहें तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यूआरएल भी मैं आपको बताऊंगा। ये जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं और वो दे रखी हैं एडवर्टीजमेंट फॉर कॉलेज फैकल्टी पोजिशन के बारे में। सारे के सारे एप्लीकेशन फॉर्म आपके होंगे ऑनलाइन अप्लाई, ये मेंशन यहाँ पे कर रखा है। डिटेल आपकी क्वालिफिकेशन हो, एक्सपीरियंस हो, स्क्रीनिंग गाइडलाइन हो या इंडिकेटिव परफॉर्मा हो, ये कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर दे रखे हैं। और ये दे रखी है कॉलेज की वेबसाइट, जिसको हम कॉलेज का URL भी कहते हैं, ये रामानुजन कॉलेज .ac.in, ये इसका URL है। आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे फर्दर जो भी कार्रवाई होगी वो इसी कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर आपके अवेलेबल मिलेगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं और ये मैंने पहले ही हाईलाइट कर रखा है ताकि हमारा समय बचे। फीस के बारे में बात है, ₹500 आपकी फीस है और ₹500 फीस जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और EWS के लिए। परंतु यदि आप आते हैं शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में या PWD के अंदर, या फिर आते हैं विमेन कैटेगरी के अंदर, तो आपकी किसी भी प्रकार की यहाँ पे फीस अवेलेबल नहीं है, यानी आपको किसी प्रकार की फीस यहाँ पे नहीं देनी है। और नो एप्लीकेशन फीस सेल बी चार्ज, उन कैंडिडेट्स को भी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है जिन्होंने पहले अप्लाई किया था परंतु उनका इंटरव्यू नहीं हो पाया था। तो ये कैंडिडेट भी यहाँ पे ध्यान से देख लें कि उनको सिर्फ अपना अप्लाई, जो उन्होंने एप्लीकेशन अप्लाई की थी उसका प्रूफ देना है, इसके अलावा इनको कोई भी ज़रूरत नहीं है। पेमेंट आपकी क्रेडिट कार्ड से हो सकती है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से हो सकती है, ऑनलाइन ही पेमेंट यहाँ पे आपकी होगी। उसके बाद में मेंशन कर रखा है कि शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट के बाद, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जब हो जाएंगे तो उनको एक ओरिजिनल आईडी लेके आनी होगी। ओरिजिनल आईडी जैसे कि आधार कार्ड, कैंडिडेट वो वोटर कार्ड लेके आ सकता है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट इत्यादि। इसके साथ में एक सेल्फ टेस्टेड फोटोकॉपी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रूल आ गया था कि सेल्फ अटेस्टेशन की सर्टिफिकेट चलेंगे, तो सेल्फ अटेस्टेड उनको फोटोकॉपी लेके आनी है, टेस्टिमोनियल सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे लेके आने हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में जो कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब में है या किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करते हैं, ऑटोनोमस बॉडी के अंदर काम करते हैं, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेके आना होगा इंटरव्यू के टाइम। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैंने हाईलाइट आपको बताई है। यहाँ पे आप देखिए कि कैंडिडेट्स को TA DA इत्यादि नहीं मिलेगा जब वो इंटरव्यू के लिए आएगा। इसके साथ में बात आती है दोस्तों लास्ट डेट की। हाँ, मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि लास्ट डेट में आप मेंशन करके बताऊँगा, इसके लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। उससे पहले आप देख लीजिए गाइडलाइन फॉर स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के लिए गाइडलाइन क्या है, 100-point स्केल होता है और कॉलेज के लिए क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सही तरीके से समझिए। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और आपके मार्क्स हैं 80% से ज़्यादा तो 21 नंबर आपको सीधे यहाँ पे मिल जाएंगे, 60 से 80 हैं तो 19 नंबर मिल जाएंगे और ये इस प्रकार है। पोस्ट ग्रेजुएशन में 80 से ऊपर हैं तो 25 नंबर मिलेंगे, 60 से 80 हैं तो आपको 23 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद में एमफिल यदि आपने कर रखी है तो आपको 7 नंबर मिलेंगे, 60% से ऊपर के, 55 से 60 है तो 5 के, और 55% से कम है तो कोई भी नंबर यहाँ पे मिलेगा नहीं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपने एमफिल और पीएचडी दोनों कर रखी हैं तब आपको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स आपको 25 ही मिलने हैं। तो पीएचडी के नंबर 25 हैं, एमफिल और पीएचडी यदि आपने दोनों कर रखी हैं तो सिर्फ पीएचडी का फ़ायदा आपको मिलेगा। नेट यदि JRAP के साथ आपने कर रखा तो 10 नंबर मिल जाएंगे, यदि अकेला नेट है तो 8 नंबर। इसके बाद में रिसर्च पब्लिकेशन के प्रत्येक के आपको 2 नंबर मिलेंगे और ये हो गए आपके 6 नंबर मैक्सिमम। एक्सपीरियंस यदि आपका है तो 10 नंबर यहाँ पे मिलेंगे, ये भी आप ध्यान में रखें। अवार्ड आपके इंटरनेशनल अवार्ड आपका है ये यहाँ पे मिलेंगे आपको 3 नंबर, यदि नेशनल और इंटरनेशनल स्टेट अवार्ड है तो आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये जैसा मैं आपको बता रहा था एमफिल प्लस पीएचडी के 25 नंबर ज़्यादा हैं, मैक्सिमम 25 नंबर हैं। JRAP और नेट के 10 नंबर मैक्सिमम हैं, अवार्ड आपके 3 हैं और ये आपका हो जाता है टोटल 100 मार्क्स का क्राइटेरिया। अब दोस्तों देखते हैं शॉर्ट लिस्टिंग किस प्रकार से होगी। शॉर्ट लिस्टिंग में जो ज़्यादा ऊंची मेरिट रखेगा वो पहले नंबर पे आएगा, परंतु टाई हो जाता है तो मास्टर लेवल पे, यानी कि पीजी लेवल पे आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं उसके हिसाब से आपका यानी कि रैंक ऊपर नीचे हो सकता है।
अब कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे? सभी कैंडिडेट जो 60 मार्क्स या उससे अबो ले लेते हैं वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। मिनिमम कितने होंगे? 50 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे एक वैकेंसी के लिए, यदि एक वैकेंसी है तो। एक वैकेंसी मतलब 50 कैंडिडेट, दो वैकेंसी फिर 20 प्लस हो जाएंगे 70, तीन वैकेंसी फिर 20 प्लस हो जाएंगे 90, चार वैकेंसी फिर 20 प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा 110, और पांच वैकेंसी 130। इस प्रकार से सिस्टम चलेगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी वैकेंसी अपॉन कितने कैंडिडेट यहाँ पे कॉल किए जाएंगे। अब ये नीचे यदि आप देखेंगे, जो आपने टाइम ले लिया है पीएचडी के दौरान या एमफिल के दौरान, वो टाइम आपका काउंट नहीं होगा टीचिंग एक्सपीरियंस में। ये इस प्रकार से आपकी जनरल इंस्ट्रक्शन है, फिर भी आपको यदि ज़्यादा देखना है तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर जाके। हाँ दोस्तों, एक सवाल जरूर रह गया कि इसकी लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट है दोस्तों इसकी 28 फरवरी। यदि आप इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो तुरंत ही यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट बहुत ही नज़दीक है। और आप ये भी पूछेंगे कि एम्प्लॉयमेंट में ये कब आया था, ये अप्रोक्सीमेटली 19 जनवरी को शायद एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया था और लास्ट डेट इसकी 28 फरवरी है, ये आप जरूर ध्यान में रखें। तो ये था दोस्तों आज का कंटेंट, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।